स्वागत करता हूं गाइज़ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवोक पे। आज मैं आपके सामने टक्कर का कंपैरिजन लेके आया हूं। यहां पे फायरबोल्ट की AI आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पे सेल पे है ये, 4499 रुपीज़ में अवेलेबल है अभी। और दूसरी तरफ है हमारे पास इग्नाइट की S3 जो कि क्रॉसबीड की तरफ से आती है। यहाँ पे ये भी सेम लुक के साथ आती है, आपको सेम प्राइस ब्रैकेट में ही फॉल करती है, तो मैंने सोचा इन दोनों का कंपैरिजन वर्थ रहेगा। और गाइस कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी लग सकती है आपको, फर्स्ट ग्लैंस में इग्नाइट S3 की कॉपी लग रही है AI फायरबोल्ट की, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही डिज़ाइन लेके कॉपी करती हैं ये वॉचेज़। देख सकते हो आप स्पीकर प्लेसमेंट भी इनफैक्ट सेम पोजिशन पर है और बटन प्लेसमेंट भी इनफैक्ट सेम पोजिशन पर है, डिस्प्ले साइज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ताकि मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों वॉचेस के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल सके, और मेरे ख्याल से डिफरेंस है भी नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि फायरबोल्ट ने AI को जो मैन्युफैक्चर किया है वो इंडिया में ही किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉपी चल रही है, क्रॉस बीट्स की कॉपी करके ये फायरबोल्ट ने अपनी वॉच को लॉन्च किया है। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकवोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे देते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे क्रॉसबीट S3 की बात करूँ तो यहाँ पे 1.7 इंचेस की HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर डिस्प्ले मिलती है, AI में भी 1.7 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे जो आपका ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं दिया गया है, ये मिसप्रिंट है, रेस्ट ओविक मिल जाता है दोनों में ही। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कर्व ग्लास यूज़ किया गया है दोनों में ही किया गया है, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है, बट कोई ना कोई टेम्पर प्रोडक्शन मिल ही जाता है आपको दोनों ही वॉचेस पे। यहाँ पे बात करूँ शार्पनेस की, ऑलमोस्ट सिमिलर है आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो AI में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे AI की जो पीक ब्राइटनेस और शार्पनेस है हल्की सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉसबीट S3। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले का साइज़ है, और इवन दो यहाँ पे जो डिस्प्ले के पिक्सल्स है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी में कहना चाहूँगा फायरबोल्ट ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी में फायरबोल्ट जीत जाती है आपकी। आगे बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच फेसेस आप लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात मैं करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स मोड दोनों में मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो IP67 की रेटिंग है वो तो मिली जाती है आपको, 1 मीटर तक आप समर्ज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि दो वेंट्स होते हैं कॉलिंग वॉचेस में, एक स्पीकर के लिए और एक माइक के लिए, तो कहीं ना कहीं वॉच खराब हो सकती है अगर आप पानी में लेके जाते हो या स्विमिंग के लिए लेके जाते हो, तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्विम मोड भी नहीं मिलता है आपको जिससे कि आप स्विमिंग कर सको वॉच को आप लेके। यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है AI में, जहाँ पे आपको 70% एक्यूरेसी मिलती है, आपका स्लाइटली बेटर एक्यूरेसी मिलती है आपको क्रॉसबीट S3 में, और उसी के साथ साथ जितने भी पॉकेट सेंसर है दोनों में ही मिल जाते हैं आपको, दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ S3 में आपको टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। और गाइस बात मैं करूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, और कॉलिंग फीचर आपको दोनों में ही मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको दोनों ही वॉचेस में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात मैं करूँ तो 5.0 मिल जाता है, तो यहाँ पे 5 से 6 मीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे बात करें फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है AI में, और S3 में आपको कहीं ना कहीं फाइंड माई फोन, कैमरा शटर और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, तो ज़्यादा एडेड एडवांटेज आपको S3 में मिल जाती है। और साथ ही में यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS चाहे आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आप दोनों ही वॉचेस को दोनों से ही पेयर कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हार्डवेयर में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है AI, जहाँ पे आपको 128 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 64 MB जो रैम है वो मिल जाता है, और S3 में थोड़ा सा हाफ मिलता है। कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों में ही, और गाइस सिंगल बटन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो वॉच को, और गैसेस का भी यूज़ कर सकते हो आप सारे के सारे डेफिनेटली। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती है मेरे ख्याल से, S3 में स्लाइटली बेटर है आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा है, बट AI में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 240 mAh हो सकता है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, जिससे कि आपको मैं कंफर्म कर दूँ तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ मैं बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी, बट अकॉर्डिंग टू द बैटरी की कैपेसिटी मतलब बैटरी यूजेज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि क्लेम किया गया है ऑन द वेबसाइट, जो कि 10 दिन का क्लेम किया गया, उस हिसाब से 240 mAh हो सकता है। चार्जिंग टाइप दोनों में ही आपको मैग्नेटिक मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल यूजर्स की बात करूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके, तो यहाँ पे आप 4 से 5 दिन का इजली बैटरी बैकअप ले सकते हो, और बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं
आपके जो नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं मतलब वॉच में ही मैसेजेस और सोशल मीडिया के, और साथ में आप एचआर भी मॉनिटर कर रहे हो, एसपीडब्ल्यू मॉनिटर कर रहे हो और कॉलिंग पे भी बात बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वॉच करीब करीब 2 से 3 दिन तक रन कर जाएगी। या आपके यूजेज पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और पूरा कन्फर्म नहीं कर सकता आपको यहाँ पर, राइट। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। एचआर मॉनिटर आपको दोनों में ही मिल जाता है, एसपीडब्ल्यूएल मॉनिटर मिल जाता है, और गैस यहाँ पे बीपी मॉनिटर का ऑप्शन भी मिलता है S3 में, जो कि एआई में मिसिंग है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो गैस एक्यूरेसी लेवल ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ कितना आपको मिलता है दोनों में ही, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है दोनों में ही। और गैस S3 में एक एडेड एडवांटेज ये भी कि आपको इनबिल्ट जो वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, और एआई में भी वो फीचर अवेलेबल है वॉइस असिस्टेंट का। ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल हो जाता है, और गाइस सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको अवेलेबल हो जाता है दोनों ही वॉचेस में। अब गाइस थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, यहाँ पे रगेड बिल्ड मिल जाता है आपको, एल्युमिनियम केसिंग और बेस पॉलीकार्बोनेट आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ 20 mm स्ट्रैप साइज है, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और इवन इन दोनों को इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। बात आती है टीपीयू स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे आपको, अगर सिलिकॉन होता तो ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होता। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो वॉच डायल है मेटल का है, बेस पॉलीकार्बोनेट का आपको मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी AI अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे 4499 रुपीज़, तो मतलब 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। और S3 स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल रही थी, बट अगर आप अभी भी बाय करना चाहते हो डिस्काउंट प्राइस में, तो आप टेकपोक जो कोड है उसको यूज़ कर सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको 4300 रुपीज़ की मिल रही है अभी। और अगर आप टेकपोक जो कूपन कोड है उसको यूज़ करते हो तो और भी कम आपका हो सकता है, तो 200-300 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको पड़ जाएगी। बट यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर आपको S3 में मिल जाता है, AI में भी आपको डेडिकेटेड सेंसर मिलता है, बट यहाँ पे S3 का जो सेंसर है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू AI। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड तो सिमिलर ही मिलते हैं, और लुक वाइज भी सेम ही है, बॉडी बिल्ड भी सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हल्का सा डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेटर लग सकता है AI में एज़ कम्पेयर टू S3। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही वॉचेज़ वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वॉच लेनी है। फायरबोल्ट की स्लाइटली आपको आफ्टर सेल सर्विस बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू S3 क्रॉसबीट्स, मतलब क्रॉसबीट्स में आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी बेकार मिलती है, बट इतनी भी बेकार नहीं है, मतलब 5% का ही अंतर है आपको। और ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही सेम प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं। आई गेस मैंने यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।